का कमेंट आ गया। अभी देख रहे हो 5:34 पर अभी जस्ट उन्होंने ट्वीट किए हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई रिजल्ट आएगा या कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर अतुल प्रसाद सर का जो जैसे ही कुछ आता है यहाँ पर ट्वीट पर ट्वीट आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर अतुल प्रसाद सर ने ट्वीट कर दिया है, और पीआरटी वाले सभी देख लीजिए ध्यान से, उन लोगों के लिए मैसेज आया है और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए भी मैसेज आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो टीआरई रिजल्ट्स आर बीइंग डिक्लेयर इन फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अभी से स्टार्ट हो चुका है रिजल्ट आना, बट आवर वेबसाइट इज गेटिंग क्रश ड्यू टू अ हैवी रश। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर लगातार विजिट कर रहे हैं वेबसाइट को, जिसको लेकर जो है वेबसाइट पर प्रॉब्लम चल रही है, जिसके वजह से जो है रिजल्ट धीरे धीरे अपलोड हो गया बाकी ये सब्जेक्ट का, ठीक है ना। पीआरटी वालों के लिए बोला गया है कि आप लोग वेबसाइट को विजिट नहीं करें, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट आज नहीं आने वाला है। क्यों? आप लोग विजिट करोगे तो वहाँ पर वेबसाइट में थोड़ा क्रश होगा, यहाँ पर दिक्कत होगा, बिजी चलेगी, जिसके कारण से सर्वर में प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए इसको मैं हिंदी करके ट्रांसलेट कर रहा हूँ और बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर इसका मतलब है क्या। देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर देखिए टीआरई परिणाम आज से शुरू होकर चरणों में घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण हमारी वेबसाइट क्रैश हो रही है। चूंकि आज कोई पीआरटी परिणाम नहीं है, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दिए हैं, और साथ ही साथ जो पीआरटी वाले हैं वो वेबसाइट को नहीं चेक करें, क्योंकि वेबसाइट में क्रैश हो रही है ज़्यादा स्टूडेंट को चेक करने से। तो पीआरटी वालों का रिजल्ट आज नहीं आ रही है, 9 to 10, 11 to 12 आप सभी एक्टिव रहिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएससी के, क्योंकि रिजल्ट जो है किसी भी वक्त घोषित किया जा सकता है और आप लोगों का विषयवार जो है परिणाम जारी हो सकता है। तो आप देखते रहिए, अभी तक हिंदी का ही अपलोड किया गया है, बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे अपलोड हो रही है। तो आप लोग लगातार बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए, और मैं आपको यहाँ से सूचित कर दूंगा कोई भी नोटिफिकेशन आती है या रिजल्ट आता है बाकी सब्जेक्ट का, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ अभी मैं बता दूँ कि कटअप के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ कि कटअप कितनी गई है हिंदी वालों के लिए 1 to 11 to 12 में, आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसके बैक वाला वीडियो वही है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।